हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पिक्चर्स। हाउ आर यू? होप एवरीबॉडी इज फाइन। सो गाइस, क्या आपके पास भी कोई वाइड एंगल या फिशाई लेंसेज है? इन द करंट सिनेरियो यू कैनॉट गो आउटसाइड लाइक लॉकडाउन एंड अब कहीं भी पर्सपेक्टिव या कोई भी एंगल्स फ्रेमिंग नहीं ले पा रहे हो। सो गाइस डोंट वरी, बिकॉज ये वाले वीडियो आपके लिए है। बिकॉज ये वाले वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 3 पिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंगल्स इन योर होम, यानी कि आप घर में बैठकर ही पर्सपेक्टिव एंगल ले सकते हो। सो गाइस, मैं यूज करता हूँ एडकॉम का 8mm फिशाई लेंस एंड इट इज अ सुपर्ब। एंड इफ यू वांट टू बाय द लेंस, वी विल गिव लिंक ऑफ द लेंस सो यू कैन बाय। सो आप वहां से जाके लेंस को बाय कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस, प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल टू गेट all the notification of my new videos. If you like the video, so please give a thumbs up to the video and yes, don't forget to share if you loved it. अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज वहां पे मैं बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये वाले पोस्ट के लिए आपको फर्स्ट टॉप पे जाना है। रूफ टॉप पे जाने के बाद ट्राइपॉड स्टैंड में अटैच कर देना है एंड आफ्टर अटैचिंग यू हैव टू अटैच योर लेंस एंड आपको कुछ इस तरह से नीचे बैठ जाना है एंड बैठ कर आपके फिंगर्स में कुछ ऐसे मतलब एंगल टाइप आपके फिंगर्स में एंगल टाइप करके आप कर देना है। एंड ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, इसीलिए मैं टाइमर यहाँ पर सेट कर दिया हूँ। एक 3 सेकेंड का टाइमर है। सो अब जैसे ही टाइमर को सेट करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। सो गाइस, ये वाले फोटो के लिए आपको फर्स्ट एक मॉडल चाहिए। सो मेरी छोटी बहन ने छोटी बहन को मॉडल बना लिया। सो उसके बाद आपको अपना फिशाई लेंस अटैच करना है एंड आफ्टर अटैचिंग द लेंस आपको कुछ नीचे वाले एंगल से कुछ ऐसे पोज देते हुए आपके मॉडल को बोलना एंड कुछ ऐसे पिक्स क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट आपको कुछ ऐसे प्लान्स ले लेना है जो कि आपको रूफ टॉप पे मिल जाएंगे एंड कोई नीचे एंड पिंक आपका हैंड होगा, उसको अपने फेस के बिल्कुल सीधे रखना है जैसे क्रेम में ऐसा आता है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।